सहारनपुर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय महासचिव पर किए हमले को लेकर आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में दिखा रोष। आजाद समाज पार्टी काशीराम जनपद सहारनपुर यूनिट का विशाल समूह बलिया खेड़ी ब्लॉक में हुई घटना पर रोष जताते हुए सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा एवं सहारनपुर जिलाधिकारी के नाम एक विज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ब्लॉक बलियाखेड़ी से आजाद समाज पार्टी काशीराम के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी कुमारी मीनाक्षी उर्फ मीना को ब्लॉक प्रमुख पद का नामांकन सत्ता पक्ष के दबाव में आकर ब्लॉक प्रशासन द्वारा जानबूझकर खारिज किया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय अपराध है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह बालिया व SSP जिलाध्यक्ष करणवीर सिंह एवं समर्थक आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन के लिए बलियाखेड़ी ब्लॉक पर पहुंचे तो उसी समय पहले से ही घात लगाए हुए सत्ता के असामाजिक तत्वों द्वारा कमल सिंह वालिया एवं कर्णवीर के समर्थकों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें असामाजिक तत्वों के द्वारा कमल सिंह वालिया को जान से मारने के इरादे से रिवाल्वर निकाला तथा कमल सिंह वालिया के साथ मारपीट की तथा जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जिन सत्ता पक्ष के असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ SC ST और एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। हमारी मांग है कि ब्लॉक प्रमुख बलियाखेड़ी की चुनाव प्रक्रिया को स्थगित किया जाए और चुनाव हेतु कोई अन्य तिथि नियत की जाए और कमल सिंह वालिया को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। ब्यूरो चीफ सहारनपुर से हैदर अंसारी की रिपोर्ट। बीजेपी की जो गुंडागर्दी चल रही है सरेआम पूरे देश में तानाशाही चल रही है, पूरा आवाम दुखी है बीजेपी से, पूरा देश परेशान है, किसान मजदूर आवाम पूरा परेशान है। आज उसी गुंडागर्दी के खिलाफ धरना प्रदर्शन है। हम इस धरने को इसलिए लेकर गए हैं कि यहाँ अगर आपने जिला पंचायत में देखा होगा, अभी जो है क्षेत्र पंचायत जो चुनाव हुए इसमें देखा होगा, यहाँ बीजेपी सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी चाहती है और अपना राज स्थापित करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को विपक्ष मंजूर नहीं है, वो डरती है विपक्ष से, क्योंकि उसे पता है कि आवाम पूरा दुखी है, उसको कोई वोट नहीं देगा, इसलिए गुंडों के दम पर सत्ता हासिल करना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर तमाम वो BDC मौजूद है जो आज अपना इस्तीफा लेकर के DM साहब को देने आए हैं। यहाँ तमाम BDC अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि जब उनका जो है चुनाव का अधिकारी नहीं है तो कैसे BDC वो अपना तमाम BDC आज जो है अपना इस्तीफा देंगे DM साहब को और अपना एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। हाँ, हमारे ऊपर नहीं हमला देश के संविधान के ऊपर है, इस लोकतंत्र के ऊपर है, लोकतंत्र पूरे तरीके से खत्म हो गया है। आज बीजेपी सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी पर अपना राज स्थापित कर रही है, गुंडागर्दी के दम पर सरकार चलाई है। लेकिन बहुत जल्द 2022 में हम ऐसा पलटवार करेंगे कि इस बीजेपी सरकार को इस देश की गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगला कदम पूरी यह आंदोलन आज सहारनपुर में, कल उत्तर प्रदेश में होगा। अगर हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं है तो यह आंदोलन पूरे देश में होगा।